वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे पोलन बायोबिलिटी को, मींस पोलन फॉल ऑफ होने के बाद क्रिएट एंड फंक्शनल लगता है। इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे। सेकेंड, हम पढ़ेंगे पोलन को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, और पोलन ग्रेन के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो सब में नहीं देखने को मिलता, कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है। चलिए, उसके पहले हम बात करेंगे कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने पोलन ग्रेन को कंप्लीट किया था, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था, उसकी वॉल की जो लेयर थे एग्जाइन और इंटाइन, उसके बारे में बहुत हमने डीप स्टडी किया था, ठीक है। जर्मपोर के बारे में डिस्कस किया था कि जर्मपोर किसमें बोलते हैं, जर्मफरो किसमें बोलते हैं, मोनोकोल्पेट क्या होता है, ट्राइकोल्पेट क्या होता है, सारे हमने बात कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट बात करें तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, तो पोलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करें तो पोलन ग्रेन को हम किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म, ठीक है। यानी पोलन ग्रेन आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ठीक, जो करते क्या है, एनहांस करते हैं the performance of athletes। और दूसरा अगर आप बात करो तो रेसिंग हॉर्स, ठीक है। तो क्या बात की आपने, पोलन ग्रेन को हम यूज किस फॉर्म में करते हैं, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं, क्योंकि करते क्या है, इनहांस करते हैं परफॉर्मेंस को, जिसमें एथलीट्स एंड जो रेस के घोड़े होते हैं उनको ये पोलन ग्रेन के सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसके बेसिस पे क्या होती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होता है। जैसे आपने कभी आप पढ़ो तो लिखा होगा बी पोलन ग्रेन, बी पोलन सप्लीमेंट, तो ये सारे क्या है, आपके पोलन ग्रेन ही है जो किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है और ये आ जाता है कि पोलन सप्लीमेंट क्या है, तो पोलन क्या है आपका, पोलन ग्रेन सप्लीमेंट ही है जिसको हम फूड के फॉर्म में, न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो क्या है आपका, पोलन वायबिलिटी, ठीक है। पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन आर फंक्शनल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि पोलन ग्रेन जब डेंसेंस के बाद रिलीज होगा और स्टिग्मा पे फॉल होगा, तो टाइम पीरियड, ठीक है, जितने देर तक वो पोलन ग्रेन क्या होता है, फंक्शनल रह सकता है, उसी वायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पोलन, ठीक है। यानी फॉल होने के बाद कितने टाइम तक वो स्टैंड करेगा, जिसके बेसिस पे वो फंक्शनल रहेगा, या हो सकता है पोलन टू वेरिएंट फॉर्म कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप पोलन वायबिलिटी की बात करो तो पोलन वायबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो क्यों है, आपके इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा क्या है आपका, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो पोलन वायबिलिटी डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड्स करेगा, तो पहला क्या है आपका, इंट्रिंसिक फैक्टर, और दूसरा क्या है आपका, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है, इसमें कौन से आएंगे, जेनेटिक आएंगे, जेनेटिक जो उनका कंपोजिशन है या जेनेटिक फैक्टर है,
ठीक है, ये जेनेटिक फैक्टर आप बोल सकते हो, है कि जो जीन का कॉम्बिनेशन है, क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है, डीएनए, ये सारे आप बोल सकते हो जेनेटिक फैक्टर में आएंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या आएगा आपका, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या, जो इनका जेनेटिक मेकअप है वो डिसाइड करता है कि उसकी पोलन वायबिलिटी कितने देर तक हो सकती है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब टेम्परेचर एंड जो ह्यूमिडिटी है, ये भी इसके बेसिस पे ही क्या होता है, पोलन वायबिलिटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम ज्यादा हो सकता है। अब हम देखेंगे कुछ प्लांट के बेसिस पे इसको डिस्कस करेंगे, पोलन वायबिलिटी को। जैसे आप एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर आप बात करो, जो वीट है और दूसरा राइस, ठीक है, इसमें जो पोलन वायबिलिटी है वो कितने देर तक देखने को मिलती है, 30 मिनट के, नहीं मिलती 30 मिनट। कितने मिनट, 30 मिनट की वायबिलिटी होती है, इतने देर में क्या होते हैं, अगर वो फंक्शनल रहे तो ठीक है, फिर क्या होते हैं, फंक्शनल नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो जो रोजेसी फैमिली है, ठीक है, दूसरा अगर आप बात करो लेग्यूमिनेसी फैमिली, एंड थर्ड वन अगर आप बात करो सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, ये जो तीनों फैमिली हैं, ठीक है, इनके जो पोलन वायबिलिटी होती है ये कितनी होती है, 7 मंथ। कितनी होती है, 7 मंथ। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन ही है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के क्वेश्चन के लिए, नीट के लिए, थोड़ा आपको ध्यान से रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉलन स्टोरेज। क्या पढ़ेंगे हम, पॉलन को कैसे स्टोर कर सकते, क्योंकि तो अभी आपने देखा पॉलन बायबिलिटी क्या है, सब में अलग अलग है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो मान लो कि अगर हम पॉलन को स्टोर करके रखना चाहें, ठीक है, तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन में रखना होगा, या ऐसे ऐसे जगह रखना होगा जहां पे अगर कम वायबिलिटी वाला भी पॉलन है तो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक वैसा ही रखा जा सके, जब वहां से वो निकाला जाए तो वहां से वो अपना आगे फंक्शनल हो सके। ठीक है, तो पॉलन स्टोरेज का सिर्फ मेन यही मतलब है, इसका मतलब है किसके लिए, जैसा बोलते हो कि क्रॉप ब्रीडिंग मेथड के लिए, ठीक है, इसके के लिए हम पॉलन स्टोर भी करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो क्या है का, पॉलन स्टोरेज। हम कहाँ पोलन स्टोर कर सकते हैं, कुछ पोलन ग्रेन है उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, स्टोर इन -196 196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो किसमें स्टोर करके रखते हैं पोलन ग्रेन को, स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर ही होता है या वो से उसका मेल्टिंग पॉइंट ही है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इसको स्टोर कहाँ करते हैं, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल बैंक भी है इसका, आप क्या बोल सकते हो, इन फॉरन बैंक। जैसे आप बोलते हो ना कि ब्लड बैंक है, जीन बैंक है, वैसे पोलन बैंक भी होते हैं जिसमें पोलन को क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मेन इसका पर्पज क्या है, ये यूजफुल किसके लिए है, यूजफुल इन क्रॉप ब्रीडिंग मेथड। मेन पोलन बैंक में रखने का ही मतलब होता है कि अदर उसको क्रॉप ब्रीडिंग मेथड में यूज किया जा सके या क्रॉप इंप्रूवमेंट मेथड में यूज किया जा सके। चलो इसके बाद हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स को पढ़ना है किसके रिगार्डिंग, पॉलन ग्रेन के। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा वो पॉलन ग्रेन कॉमन जो आप देखते हो, पॉलन ग्रेन इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जो आपको बता दिया गया। नेक्स्ट हम कुछ अलग पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है, वो सब में नहीं मिलते, कुछ स्पेसिफिक प्लांट में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। चलो पहला जो है पॉइंट वो क्या है आपका, पहला है कंपाउंड पॉलन। अभी तक आपने क्या पढ़ते,
माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर फिर सेपरेट हो जाते हैं, फिर आगे जाके वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा, मैच्योर होकर क्या फॉर्म करेगा, मेल गैमेटोफाइट। चलो आगे पढ़ना है मेल गैमेटोफाइट के बारे में, लेकिन ऐसा ही होता है, यही आपने पढ़ा। अब यहाँ पे आपने लिखा टर्म कंपाउंड पॉलन, ठीक है, यानी स्पीशीज में पॉलन सेपरेट ही नहीं होते होंगे, यानी माइक्रोस्पोर सेपरेट ही नहीं होते होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड पॉलन का मतलब क्या होता है, एक इसमें मिलता है, इसका एग्जांपल पहले ले लेते हैं, एग्जांपल है आपका ड्रोसेरा, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलते हैं, कंपाउंड पॉलन मिलते हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि जो इसमें टेट्राइड होते होंगे ना माइक्रोस्पोर के, ठीक है, वो टेट्राइड क्या होते हैं, सेपरेट ही नहीं होते, डू नॉट सेपरेट, ठीक है, ये सेपरेट नहीं होते। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉइंट हो क्या है आपका पॉलीस्पोरी, क्या है आपका पॉलीस्पोरी, पॉलीस्पोरी का एग्जांपल क्या है आपका, ये किसमें देखने को मिलता है, कस्कोटा में, किसमें होता है, कस्कोटा में देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या होगा, इसमें जो टेट्राइड होता है ना, टेट्राइड नॉर्मल आपने टेट्राइड में कितने पॉलन, टेट्राइड में कितने माइक्रोस्पोर होंगे, फोर, तो फोर माइक्रोस्पोर से कितने पॉलन बनेंगे, फोर बनेंगे, नॉर्मल ही पढ़ा है आपने, बट यहाँ पे जो टेट्राइड होता है ना उसमें फोर से ज्यादा माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पोरी, क्या होते हैं, पॉलीस्पोरी, इसमें क्या होगा मोर देन फोर पॉलन ग्रेन, फाउंड इन टेट्राइड, ठीक है, जो टेट्राइड था उसमें चार से ज्यादा पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पोरी, जो किसमें देखने को सी मिलता है, कस्कोटा, ठीक है। तो है ना स्पेशल पॉइंट पॉलन ग्रेन के बारे में, नॉर्मली तो आपको बता दिया गया टेट्राइड, टेट्राइड सेपरेट होगा कैलेज एंजाइम से, तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, चार, चार आगे जाके पॉलन ग्रेन फॉर्म करेंगे चार, लेकिन पॉलीस्पोरी कंडीशन में थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे टेट्राइड में क्या होते हैं, चार से ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, आप बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोर आगे ज्यादा प्रेजेंट होते होंगे तभी तो पॉलन ग्रेन चार से ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है आपका पॉलिनियम, ठीक है, पॉलिनियम क्या होता है, सबसे पॉलिनियम हमें देखने को किससे मिलता है, पहले इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल क्या है आपका कैलोट्रोपिस, एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका ऑर्किड। तो क्या बताया, पॉलिनियम किसमें मिलता है, कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड्स, ठीक है। तो फिलहाल पॉलिनियम होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे आपको बताया गया था, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ कि ऐसे चार माइक्रोस्पोंजिया हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्पोंजिया, दूसरा माइक्रोस्पोंजिया, तीसरा एंड फोर माइक्रोस्पोंजिया। इसमें होता क्या है, इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना माइक्रोस्पोंजिया के अंदर जो फॉर्म होते हैं, ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट हो जाते हैं, एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि ये सारे क्या है पॉलन ग्रेन है, ये सारे पॉलन ग्रेन क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइंड होंगे, ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और इसी मास लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनियम, क्या बोलते हैं, पॉलिनियम, ठीक है, ये सेपरेट नहीं रहते हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये फॉर्म कैसे होगा, फॉर्म ड्यू टू मास ज्वाइनिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। अब ये कहाँ हो रहा है मास ज्वाइनिंग, इनसाइड आप बोल सकते हो पॉलन सैक, या आप बोल सकते हो दूसरे में माइक्रोस्पोरिया, यही तो हो रहा है ना, ठीक है। एंड जो पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा है किसमें, पॉलन सैक में या माइक्रोस्पोरिया में, ये सारे पॉलन ग्रेन एक दूसरे से बिल्कुल क्लस्टर में ज्वाइन हो जाते हैं और मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनियम, क्या बोलते हैं, पॉलिनियम, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है कि एक अगर आप बात करो एंथरमेन, ठीक है, कितने पॉलिनियम देखने को मिलेंगे, तो कितने लेंगे, सो मैक्सिमम फोर पॉलिनियम, ठीक है, कैन बी प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होगा, अरे एक माइक्रोस्पोंजिया है, चार ही माइक्रोस्पोंजिया होंगे ना,
चार माइक्रोस्पोरिया होंगे तो चार पोलिनियम बनेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे पोलिनियम भी क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है फॉरेन ग्रीन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेटर, एपरेटस या ट्रांसलेटर, सिंपल पढ़ सकते हो। ये किसमें प्रेजेंट होता है, कैलेप्ट्रोपिस, ठीक। तो ट्रांसलेटर एपरेटस में एक फॉर्म होता है ट्रांसलेटर स्ट्रक्चर, सिंपल भी एक वीडियो आपके बुक में कहीं लिखा होता है। तो ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर एपरेटस किसमें देखने को मिलता है, कैलेप्ट्रोपिस में। सबसे पहले ट्रांसलेटर बनता कैसे या होता है, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेटर की बात करो, ये फॉर्म किसके बेसिस पे होता होगा, तो ये फॉर्म होता है पहला पोलिनियम, पोलिनियम जो आपको पढ़ा है जस्ट, दूसरे के साथ क्या कंबाइंड होता है, कॉडिकल्स, ये आपको नहीं पता है, अभी आपको डायग्राम से बताऊंगा। एंड थर्ड क्या होता है, कॉर्पस्कुल, ये भी आपको नहीं पता, एक बस आप पता है पोलिनियम क्या। जब तीन कंबाइंड होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर है। अभी क्या होते हैं, चलिए फिर से डायग्राम से रफली समझेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया था ये पैरेंथर को सेक्शन करें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही रफली स्ट्रक्चर इसीलिए बना रहा हूँ। चलिए आपने बोला एक माइक्रोस्पोरियम, दूसरा माइक्रोस्पोरियम, मैं इधर से बता रहा हूँ। जैसे होता क्या है, जैसे एक माइक्रोस्पोरियम ए और दूसरा माइक्रोस्पोरियम, इसमें क्या बताया कि पोलिनियम को क्या बताया था, इसमें जो पोलन ग्रेन होंगे ये सारे क्या होंगे, क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तभी तो आपने इसको बोला था ना पोलिनियम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, क्लस्टर आप में प्रेजेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, उसके बाद ये जो स्पोर वॉल है, ठीक है, वो थोड़ी सी ब्रेक होती है, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रक्चर को चेंज करता हूँ, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पोलिनियम है यहां से क्या होता है, ट्यूबेराइज होगा, यहां से भी क्या होगा, ट्यूबेराइज होगा। ध्यान से देखिए माइक्रोस्पोरिया, इसके अंदर क्या है, पोलिनियम प्रेजेंट है, ठीक है, ट्यूबेराइज होगा, ये दोनों ट्यूब्स क्या होंगे, कम ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइंट होने के बाद क्या होगा, आगे लेके क्या फॉर्म करेंगे, एक टनल या कैनल लाइक फॉर्म करेंगे ये दोनों ट्यूब, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। फिर से समझ लो, ये आपने अभी पढ़ा था पोलिनियम का मतलब क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर होते हैं क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पोलिनियम होता है, ठीक है। जैसे आपने बोला दो माइक्रोस्पोरिया में, तो दो पोलिनियम, एक पोलिनियम है दूसरा पोलिनियम है, ठीक है, दो पोलिनियम, दोनों पोलिनियम से क्या हुआ, ट्यूबेराइज हुआ, ठीक है। ये दोनों ट्यूब्स क्या होंगे, कंबाइंड हो गए, कंबाइंड हो गए, टनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए, ठीक है। तो इन कंबाइंड यानी पूरा स्ट्रक्चर, तब यहां से लेके यहां तक का स्ट्रक्चर, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर अपरेटस, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर अपरेटस। अब मैं लेबलिंग कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी पोलिनियम है और ये भी पोलिनियम, ठीक है, ये क्या है आपके पोलिनियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो यहां से ब्रांचिंग हुई है, इसको हम बोलते हैं कॉडिकल्स, क्या बोलते हैं, कॉडिकल्स, अब समझ में आने लगा होगा। तो क्या बताया आपको, ये दो पोलिनियम है प्लस कॉडिकल्स, और इस टनल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलम। तो हो गया तीनों स्ट्रक्चर प्लस प्लस, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटर अपरेटस। फिर से समझा देता हूँ, दो माइक्रोस्पोरिया, तो ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि जितने माइक्रोस्पोरिया होते हैं पोलिनियम, ठीक है, और पोलिनियम क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोस्पोरिया के अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे क्लस्टर ऑफ मास में प्रेजेंट होंगे, सारे दूसरे से ज्वाइंट हो, उसी को आपने बोला था पोलिनियम, जो कैलेप्ट्रोपिस है ऑर्किड में आपको देखने को मिलता है। अब पोलिनियम देखो, दो पोलिनियम से दो ब्रांच रिलीज हो रही है, दोनों ब्रांच कंबाइंड होकर टनल लाइक स्ट्रक्चर कंबाइंड फॉर्म कर रही है, तो ये पूरा पूरा एक अपरेटस बन रहा है, ठीक है। ये जो पूरा अपरेटस बन रहा है, इसी को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर अपरेटस, ठीक है। एनी होता क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा था जब एंथर की वॉल या एंथर डेसेंस होता है तो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, नॉर्मल आपने पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा, जब एंथर ब्रस्ट होगा तो पूरा का पूरा ट्रांसलेटर अपरेटस ही कहां जाएगा, स्टिग्मा की, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो ट्रांसलेटर अपरेटस बन रहा है, ये किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का ही तो पार्ट है ना,
ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स जो बन रहे हैं वो किसका पार्ट है, एंडोसीम का पार्ट है, माइक्रोस्पंजिया से तो बन रहे, माइक्रोस्पंजिया से पोलिनियम बन रहा है, पोलिनियम तो कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स। ठीक है, बाकी कॉर्टिकल एंड कॉर्पस्कुलर क्या होता है मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर, तीनों को कंबाइन होने से क्या बन रहा है, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स। एक तरह से ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स किसका पार्ट है, एंडोसोम का पार्ट है, और ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स जाके किसके साथ सेटल डाउन होगा, स्टिग्मा के साथ सेटल डाउन होगा, तो स्टिग्मा किसका पार्ट है, गाइनोसियम का पार्ट है। तो एक टर्म आता है, इसलिए आपको ये सब चीजें बताया मैंने, उसको हम बोलते हैं गाइनो स्टेजियम। क्या बोलते हैं, गाइनो स्टेजियम। कभी आप बुक वगैरह सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं टर्म दे देता है गाइनो स्टेजियम क्या होता है, तो गाइनो स्टेजियम का मतलब होता है ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, ठीक है, किससे ज्वाइंट होता है, स्टिग्मा के साथ। ठीक है, आपको पता है स्टिग्मा किसका पार्ट है, गाइनोसियम का पार्ट है, और एक किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का पार्ट है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, गाइनो स्टेजियम। ठीक है, तो गाइनो स्टेजियम भी टर्म आप याद क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या आपके लिए आईएमपी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात, चलिए पोलिंग ग्रेन के रिगार्डिंग कुछ लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे। जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है लार्जेस्ट पोलिंग ग्रेन किसका होता है, स्मॉलेस्ट पोलिंग ग्रेन किसका होता है, लॉन्गेस्ट पोलिंग ग्रेन किसका होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए जाए, अगर आप बात से बात की जाए फर्स्ट लार्जेस्ट पोलिंग ग्रेन की, नहीं लार्जेस्ट पोलिंग ग्रेन हमें किसमें देखने को मिलता है, तो आप क्या बताओगे, लार्जेस्ट पोलिंग ग्रेन हमें किसमें देखने को मिलता है, मिलेनियस। आप जेनेटिक्स किसके बारे में पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंड अगर आप से बात किया जाए स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन हमें किसमें देखने को मिलता है, ए मायोसोटिस में। अब थर्ड आपसे बात किया जाए लॉन्गेस्ट किसमें देखने को मिलेगा, तो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन हमें किसमें देखने को मिलता है, रोस्टेरा में। रोस्टेरा प्लांट में क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन देखने को मिलता है। चलिए अब बिल्कुल बिल्कुल ही अलग पोलन ग्रेन से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट, एक फैमिली है आपका जिसका नाम है क्या है, साइपरेसी। ठीक है, एक फैमिली का नाम क्या है, इन साइपरेसी फैमिली। अब साइपरेसी फैमिली में होता क्या है, यहां पे हमें सिर्फ वन फंक्शनल पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो किससे फॉर्म होते हैं, इज फॉर्म वन पोलन मदर सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, बिल्कुल उल्टा ही हो, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि एक पोलन मदर सेल क्या फॉर्म करेगी, फोर माइक्रोस्पोर आगे जाके इसमें डबल फॉर्म है पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन के आगे जाके क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, वो भी कितने बनेंगे, चार। ठीक है, ऐसा ही तो आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, साइपरेसी फैमिली में सिर्फ एक ही फंक्शनल पोलन ग्रेन बनता है, जो फॉर्म किससे होता है, वन पोलन मदर सेल। तो मतलब क्या होता होगा, बाकी जो तीन पोलन ग्रेन है वो तीनों पोलन ग्रेन क्या होते होंगे, डिजेनरेट हो जाते होंगे, सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन क्या होता होगा, फंक्शनल रहता। ठीक है, सब में नहीं होता, सब में चारों फंक्शनल होते। जो साइपरेसी फैमिली है उसमें बाकी तीन पोलन ग्रेन जैसे चार बन रहे हैं, चार में से तीन पोलन ग्रेन क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल होता है। तो आप क्या बोलोगे, एक पोलन मदर सेल क्या फॉर्म करेगी, फंक्शनल पोलन ग्रेन। ठीक है, इससे किसमें देखने को मिलता है, साइपरेसी फैमिली में। और कभी कभी आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो वहां पे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये रही बात आपकी ओवरऑल पोलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, और आपके एनसीईआरटी में 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से अराइज होते हैं। थोड़ा बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट,